हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चुराह विधानसभा क्षेत्र के कॉलोनी मोड़ स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ है, वह विकास कार्य अपने 66 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र को अलग अलग विभाग के 4 मंडल मिले हैं, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसके अलावा सब जज कोर्ट मिलना भी अपने आप में नया कीर्तिमान है। पहले यहां के लोगों को एक चालान को भरने के लिए 100 किलोमीटर दूर चंबा जाना पड़ता था, लेकिन हमारे प्रयास हैं कि हम लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर ही सब जज कोर्ट खोल दिया है। इसके अलावा सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर प्रयास किया है। इस क्षेत्र में 246 से अधिक सड़कें बनाई गई हैं, जो किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए फख्र की बात है। हमारी सरकार के कार्यकाल में नागरिक अस्पताल तीसा को 100 बेड्स अस्पताल का दर्जा मिला, और इस अस्पताल में 17 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो पहले मात्र एक ही डॉक्टर हुआ करता था। 18 करोड़ की लागत से भांजराडू में बस अड्डे का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस ने जाति धर्म में लोगों को बांट कर रखा है, उन्हें हम लोगों ने आज़ाद करवाया है। अनुसूचित जाति जनजाति में हम लोगों ने 3000 लोगों को इस विधानसभा में घर देने का कार्य किया है। इसके अलावा 9000 लोगों को घर जनवरी तक प्रदान किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जितना विकास इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, वह पिछले 66 सालों में भी कांग्रेस नहीं कर पाई है। इस विधानसभा में अलग अलग विभागों के 4 मंडल खोलना और इसके अलावा सब जज कोर्ट भी खुला है। यही नहीं, पर्यटन की दृष्टि से भी इस विधानसभा क्षेत्र के लिए सरकार ने बेहतरीन प्रयास किया है। इस विधानसभा के भांडियोडी से पांगी के लिए रोपवे स्वीकृत हुआ है। इसकी राशि 11,000 है। इसका भी जल्द शिलान्यास किया जाएगा, और इतना विकास हुआ है कि 242 के आसपास सड़कें भी इस विधानसभा क्षेत्र में बनाई गई हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे के लिए बहस करने को तैयार हो जाए तैयार है, अगर उसमें हम फेल होते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। 4 सालों में या 4.5 सालों में हमने क्या कमाया है? मैं तो अपने आप को यूं कहता हूं कि पिछले जब से 2012-13 में मैं विधानसभा पहुंचा हूं, तो मैंने लगातार प्रयास किया है कि चुराह विधानसभा क्षेत्र, जो हिंदुस्तान के अति 35 पिछड़े ब्लॉकों में आता था, उसको कैसे हम बैकवर्ड से जो है वो फॉरवर्ड की तरफ ले आएँ। उसमें जब शुरू में जीता तो अपोजिशन थी, लेकिन उसमें भी बहुत हद तक कामयाब रहा मैं। लगातार विधानसभा के प्रश्नों से मैंने कोशिश की कि मैं जो हूँ चुराह के हित के लिए हित की बात रखूँ, लेकिन इसकी तकदीर और तस्वीर बदली है। आज की डेट में हमारे पास 4-4 जो हैं वो डिवीज़न हो गए हैं, जिसमें चाहे वो PWD का है, IPH का है, अभी हमने जो है वो बिजली बोर्ड का डिवीज़न जो है वो ले लिया है। उसके साथ साथ जो हमारा हाइड्रो पावर्स का निर्माण होता है, उसके भी डिवीज़न जो है वो अन्य क्षेत्रों पर चलते थे, आज 2-2 डिवीज़न उनके भी, HPCL जो हमारा ये है, इनके भी हमने यहाँ पर खुलवाए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 डिवीज़नों के साथ साथ जो 100 रुपये का चालान कटवाने के लिए हमें 100 किलोमीटर दूर चंबा जाना पड़ता था, आज सब जज कोर्ट यहाँ चलता है। आज की डेट में जहाँ पर एक रेन शेल्टर हुआ करता था बस अड्डे के नाम पर, वहाँ हमने जो है वो 18 करोड़ से जो है वो लगभग अभी जो है वो एक स्तर का जो है वो हमने बस अड्डा, जो एक अंतर्राज्य बस अड्डा बन जाएगा, उसका निर्माण करवाया है। आज जो है वो हमने मिनी सेक्रेट्रेट की भी स्वीकृति ले ली है, जिसका भी हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा यहाँ चुराह विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसमें 53 पंचायतें जो तीसा में फीड होती थी, जो कभी फर्स्ट रेफरल यूनिट हुआ करता था, कांग्रेस की कुनीतियों के कारण उसको यहाँ से उठा करके टांडा ले गए थे, आज वो 100 बेडेड हॉस्पिटल हो गया है। जब पिछले टेन्योर को मैं देखता हूँ, जब अपोजिशन में था एक ही डॉक्टर हुआ करता था, आज 17 डॉक्टर वहाँ पर हैं। एक्सरे की सुविधा जो है वो 24/7 मिलती है। मैं ये आपके चैनलों के माध्यम से बड़े दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ कांग्रेस ठगने का काम करती थी, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई थे, चाहे हमारे शेड्यूल कास्ट थे, उनको अपना जेब का वोट बैंक मान करके उनके साथ अन्याय ही करते थे। आज की डेट में SC ST में हमने जो है वो 3000 घर जो है वो चुराह विधानसभा क्षेत्र में
जिसमें जनरल के भी हमारे लोग हैं, उसमें हमने प्रधानमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री आवास में और SC CP का जो हमारा बजट होता है उसमें दिए हैं। और आने वाले समय में, मतलब ये जनवरी के बाद जो है वो 9000 नए घर जो है वो अपने लोगों को दे रहे हैं। इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि चुरा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो बस का किराया जो आधा किया है उसका सीधा सीधा लाभ जो है वो हमारी इन 70-71 पंचायतों को मिल रहा है, उसके साथ साथ जो बिजली के बिल माफ़ हुए हैं, चूँकि हमारा इलाका थोड़ा पिछड़ा और गरीब इलाका रहा है, इसमें हमारे घरों का दायरा इतना बड़ा नहीं है, लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिनके घरों में 2 या 3 ही बल्ब जलते हैं, तो वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट की बिजली जो है वो माफ़ करी है उसमें किसी का बिल आ ही नहीं रहा है, तो ये डायरेक्ट लाभ जो है वो आज हमारे लोगों को मिला है। मेरा मानना ये है कि हमारे ये जो 4.5 साल हैं वो कांग्रेस के उन 66 सालों पर पूरे भारी पड़ते हैं, क्योंकि मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ और खुली चैलेंज भी करता हूँ कि अगर वो डिबेट में भी उतरें, अगर कहीं किसी मंच पर भी उतरें, तो हम ये खुला चैलेंज कर रहे हैं उनको कि अगर मैं अगर वहाँ पर कभी भी 19 साबित हुआ तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे, मैंने तो ये स्पष्ट कहा हुआ। और जनता से मेरी यही अपील है कि हमने जो 246 सड़कों का जिक्र यहाँ पर किया है उनको अगर सही महीनों में, जैसे 47 सड़कें हमने कर दी, हमें सिर्फ 5 साल का वक्त दीजिए, आपकी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के लिहाज से एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से भनौडी से डायरेक्ट पांगी कनेक्ट होगी। 26 किलोमीटर का रोप वे जो है वो 11 हज़ार करोड़ में जो है वो तैयार होगा, जिसका टेंडर हो गया है, उसका शिलान्यास होना है। तो मैं इतना बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हमारे जो ये 4-4.5 साल जब हम सत्ता में हैं ये लोगों का काम करते हुए निकले हैं। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए चंबा से नितेश शर्मा की रिपोर्ट।